है। राइट, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात। और क्या क्या बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग को? सर सुप्रभात ही बोलते हैं। सुप्रभात ही बोलते हैं। ऑल राइट, चलो ग्रेट। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बताया था जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। यस सर। यस सर। उसमें प्राइमरीली मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था सुपर ऑक्टेट या एक्सपैंडेड ऑक्टेट या हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स का। यस सर, SF6 है ना। एंड मैंने एक चीज हाईलाइट करी थी कि हम लोग जब भी थर्ड पीरियड है उसके नीचे का एलिमेंट होगा और ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं तो बिंदास एक्सपैंड करेंगे। यस सर। ठीक है। एंड अभी तक मैंने आपको थोड़े बहुत लो स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस कराकर एक आइडिया दिया है हाउ टू टेक एन अटेम्प्ट एट ड्रॉइंग लो स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ। इसके पहले मैंने पॉइंट्स लिखाए नहीं थे, सो दिस इज काइंड ऑफ फॉर्मलाइजिंग सम ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच यू वुड हैव बीन यूजिंग व्हाइल ड्राइंग द लोएस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ सम ऑफ दीज केमिकल कंपाउंड्स। कैसा रहता है? इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड ओनली। एज यू नोटिस द फर्स्ट थिंग, इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड एंड आई वॉन्ट टू कीप इट दैट वे ओनली। आप अगर बुकलेट पढ़ोगे या फिर किसी और एलिमेंट किसी और बुक में भी देखोगे तो हो सकता है यू माइट कम अक्रॉस सम मेथडोलॉजी फॉर ड्राइंग लोएस्ट स्ट्रक्चर्स। उसमें स्टार्टिंग में 5-7 पॉइंट ऐसे बताते हैं कि यू नो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, फिर इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, और फिर अल्टीमेटली 5-7 पॉइंट के बाद में वापस से वो हिड एंड ट्रायल ही करवाने लग जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज वगैरह बता बतू के, सो वी डोंट नीड दैट। We don't need to waste time and energy into it. It must be something. आप try करो. Sometimes हो सकता है कि आपका structure बैठ जाए, कई बार नहीं बैठे. But that is all part and parcel of knowing this.
अच्छा कुछ गाइडलाइंस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें सेकंड गाइडलाइन कैसा है, जब भी आप मॉलिक्यूल देखते हो आपके सामने तो फिर आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है कि इसका सेंट्रल एटम क्या होगा। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि हम लोग टिपिकली वैसे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक ही सेंटर एटम होगा। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल मैं लेके आऊंगा जिनमें दो या दो से ज्यादा भी सेंट्रल एटम्स हो सकते हैं, बट अभी के लिए टू बिगिन विथ वी विल लुक एट दोज बेसिक एग्जांपल्स जहां पर एक ही सेंट्रल एटम है राइट, एंड उसके अराउंड टर्मिनल एटम्स प्रेजेंट होंगे। नाउ टिपिकली दैट चॉइस ऑफ सेंट्रल एटम वुड बी समथिंग जो कि कम नंबर में है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आसपास अकोमोडेट कर सके दूसरे टर्मिनल एटम्स को, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अगेन प्लीज नोटिस द वर्ड जनरली ओवर हेयर, मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है हर बार ऐसा हो, बट यस दिस इज वॉट शुड अप्लाई। तो एक बार सेंट्रल एटम आपने फिगर आउट कर लिया तो उसके बाद आप दूसरे एटम्स सेंट्रल एटम के अराउंड ड्रॉ कर दो। ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि हमें सिमेट्री का ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन दिस इज अ प्रेफर्ड थिंग, इट इज नॉट समथिंग विच इज अ कंपल्शन, बट यस जनरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आर मोर फाउंड इन नेचर। ठीक है, तो आप सेंट्रल एटम के अराउंड टर्मिनल एटम्स को सिमेट्रिकली प्लेस करने की कोशिश करोगे। अच्छा, फिर उसके बाद में आप बॉन्ड्स ड्रॉ करोगे। ठीक है, ड्रॉ द बॉन्ड्स एंड ट्राई टू फुलफिल द ऑक्टेट ऑफ द टर्मिनल एटम्स। ठीक है, सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम के बीच में आप बॉन्ड्स ड्रॉ करोगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स यूज करोगे आप विद अ माइंडसेट कि मुझे जो मेरे टर्मिनल एटम्स है, आजू बाजू के एटम्स है, उनका ऑक्टेट पूरा करना है। अब ऐसा करने में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड भी हो सकता है, ठीक है, नॉन एक्सपैंडेड भी रह सकता है, सिंपल ऑक्टेट भी हो सकता है, या फिर एक्सपैंड भी कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सपैंड भी कर जाता है तो भी इट्स ओके। और अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या उसके बियॉन्ड एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑक्टेट एक्सपैंड भी कर लो। ठीक है, व्हाइल कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक है, इवन आफ्टर फॉलोइंग सच बेसिक्स, नोटिस करना एज वी हैव सीन बिफोर ऑल्सो, एक मॉलिक्यूल के आप मल्टीपल लोअर स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लोगे। ठीक है, जैसे आपको याद हो तो हमने H2SO4 का भी देखा था, उसमें हम लोगों ने वो परॉक्साइड लिंकेज वाला लो स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर दिया था। इट वाज फाइन बाय ऑल बेसिक क्राइटेरिया ऑफ ड्राइंग अ लो स्ट्रक्चर, ऑक्टेट वगैरह बढ़िया से हो रहे थे, सिमेट्री थी, नो थ्री मेंबर फोर मेंबर रिंग्स विच वर कॉजिंग रिपल्शंस, लाइक काफी अच्छा सा स्ट्रक्चर था। हाउएवर दैट इज इंट समथिंग विच इज देयर एंड दैट इज एन इंफॉर्मेशन विच यू विल नॉट नो। ठीक है, आपका काम रहेगा टू टेक एन अटेम्प्ट एट ड्रॉइंग लोअर स्ट्रक्चर्स, यू माइट ड्रॉ मल्टीपल ऑफ देम, इट्स ओके, बट विच वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये आप लोग से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लोग को पहले से पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जब हम लोअर स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो इवन इफ यू गेट मल्टीपल लोअर स्ट्रक्चर्स फॉर अ कंपाउंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई विल देन हेल्प यू शॉर्टलिस्ट दैट करेक्ट वाला लोएस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है, एंड देन कीप इट इन योर नोट्स। ठीक है, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस विद मोर एंड मोर रिविजन्स यू विल देन बी एबल टू रिमेंबर एटलीस्ट सम ऑफ देम। ठीक है, यहां तक बात समझ में? Yes, sir. After 2-3 months, we will be able to guess which is the correct Lewis structure, right? On these properties. नहीं, वो देखो आपके लिए कभी भी नहीं रहेगा। मतलब जैसे for example, even today, if you give me any random compound, ठीक है? मैंने तो आपसे ज़्यादा chemistry पढ़ी है ना? If you give me a random compound,
जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा, ठीक है? तो I will take an attempt at drawing its lowest structure. हो सकता है कि मैं 2, 3, 4 lowest structures बना दूं, ठीक है? Of course, I will keep in mind कि मैं ऐसे 3-member, 4-member rings नहीं बना रहा हूं, ठीक है? मतलब randomly नहीं कर रहा हूं, मतलब जैसे याद है वो creativity हम लोग show कर रहे थे? हाँ, सही है। First class में 3 out. हाँ, I will try to keep things simple and come up with some set of lowest structures. But उसमें से कौन सा lowest structure exist करता है, कौन सा lowest structure exist नहीं करता है, would be difficult for me to judge. ठीक है, just by looking at it. Okay sir. या तो उस compound के बारे में फिर मैं थोड़ा और पढ़ूं, उसकी properties कहीं से ढूंढूं, समझूं, ठीक है? Then I will be maybe able to take some more like attempt and come up with the answer कि हाँ हो सकता है कि ये answer हो, ये वाला lowest structure correct हो. But अगर मैंने वो देखा हुआ नहीं है तो मेरे लिए भी वो guesswork की तरह ही रहेगा. ठीक है? Okay sir. Yes. Sir. हाँ. Sir, like if any compound has like say 3 lowest structures which exist and then we need to like determine which is the most preferred one. So. हाँ, so हम लोग बात करेंगे उस बारे में, ठीक है? अभी मैंने आपको कैसा बताया है, अगर किसी कंपाउंड के 3 लोएस्ट स्ट्रक्चर्स या मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोएस्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो व्हाट इज इट दैट कैन हैपन, दैट दोस कैन बी डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स. यस सर. राइट, तो फिर इसमें प्रेफरेंस वाली बात नहीं आती है, मतलब इट कुड बी पॉसिबल दैट ऑल दोस अदर कंपाउंड्स डू एग्जिस्ट. यस सर. So for H2SO4, you had given us side में the note about the most preferred one. हाँ हाँ, तो वो तो मैंने आपको ये वाला point है, वो तो कि अगर आप octet, अगर कहीं पर आपका third period या beyond वाला है, उसमें अगर octet expansion का आप lowest structure बना रहे हो, तो prefer that one over drawing those dative ones. Yes. ठीक है, वो एक preference मैंने बताई आपको. Although आप वो दूसरा वाला भी बना दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो गलत ही हो जाएगा और आपको मतलब लाइक मार्क्स कट जाएंगे उस चीज के, ठीक है? बट प्रेफर यही करना कि डबल बॉन्ड वाला लो स्ट्रक्चर दे. यस. सो हां, सो व्हाट इज द रीजन दैट वी प्रेफर ऑक्टेट एक्सपेंशन ओवर डेटिव बॉन्ड्स? वेल, मल्टीपल थिंग्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. नंबर 1 इज देयर आर मोर बॉन्ड्स, ठीक है? Each bond formation results in release of energy, है ना? तो more bonds would mean greater energy released. Yeah. More would be the stability associated with the molecule. Yes. ठीक है? दूसरा, मैंने आपको ये बताया था, जैसे हम लोग जब H2SO4 का lowest structure भी notice करते हैं, तो उसमें जो सल्फर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है. लाइक जो उसका जो एस और ओ के बीच का बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, जो वो ऊपर नीचे वाला मैंने बनाया था, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. ये वाले जो S और O के बीच के बॉन्ड से स्ट्रक्चर जो मैंने आपके साथ में बनाया था लास्ट क्लास में, ठीक है, उनमें जो बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होता है, ठीक है, S और O के बीच का, दैट इज समवेयर बिटवीन अ रेगुलर सिंगल एंड डबल बॉन्ड. अच्छा, ओके. ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है, वो मैं थोड़ा सा, मैंने रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने थ्रो कर दिया है, बट वेट फॉर इट एंड सम टाइम यू विल गेट सम आइडिया. ओके सर. ठीक है, ऑलराइट. थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे अब लोएस्ट स्ट्रक्चर्स का, ठीक है? जो जो लेट ज्वाइन करे हैं, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले लो. ये ऑक्टेट डेफिशिएंट वाला तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है? ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मैंने बोला था कि याद रखना एग्जांपल, ऐसे भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि आप नहीं बना सकते ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो वी वोंट प्रेफर, बट दीज 3 यू रिमेंबर, देन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पॉइंट्स. दीज आर सम गाइडलाइंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉर ड्राइंग लोएस्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है? नथिंग
quite different for one from what we were earlier doing. Just मैंने थोड़ा सा structure दे दिया आपको. ठीक है. अच्छा अभी आप लोग quickly थोड़े बहुत examples फटाफट practice करो और मुझे जो central atom है ठीक है उसके ऊपर कितने bond pair lone pair रहेंगे. ठीक है सारे के सारे atoms के मत देना. इसके पहले हम लोग सारे atoms के discuss कर रहे थे but अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ central atom पर कितने lone pair कितने bond pair होंगे. ठीक है तो शुरू हो जाओ starting with this compound ICL7. ठीक है एकदम बेसिक है सिंपल है. आयोडीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. राइट वही सेंट्रल एटम लग रहा है अपने को. कम इन नंबर है उसके अराउंड क्लोरीन एटम्स होंगे. 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स यूज अप होकर सिंगल बॉन्ड बना के क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी कर लेंगे. आयोडीन की एक्सपैंड हो रही है कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है कितने बॉन्ड पेयर 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर. ठीक है ओके CLF3 इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाओ जरा. CLF3 आई नहीं है ये मतलब क्लोरीन है ये. ठीक है राइट इसमें आपने देखा क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा. ठीक है क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7. यस सर. अब क्लोरीन के अराउंड 3 फ्लोरीन बनाओगे आप और हर एक फ्लोरीन को एक एक बॉन्ड चाहिए होगा सिंगल बॉन्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो कोई दिक्कत नहीं है क्लोरीन के आपने 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए और 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना दिए. ठीक है अभी के लिए डोंट वरी अबाउट कि आप कैसे बना रहे हो. मतलब आप क्लोरीन के अराउंड फ्लोरीन ऐसे भी बना दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है ऑल्दो आई वुड प्रेफर कि आप थोड़ा सिमेट्री को प्रेफरेंस दो. ठीक है दैट इज नॉट अ करेक्ट शेप. ठीक है इफ यू ड्रॉन समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस लाइक अभी के लिए आई डोंट केयर बिकॉज हम लोग शेप्स की बात नहीं कर रहे. ठीक है वी आर मेजरली कंसर्न विद वॉट इज द set of bonds that are there present between atoms. ठीक है single है double है triple है कौन सा किससे connected है बस उतना ही हम लोग समझ रहे हैं. ठीक है nothing more. sir Lewis structures not to depict shape right? अभी हाँ shape हम लोग बाद में discuss करेंगे. okay sir. यहाँ पर आपने ये बनाया CLF3 का इसमें आपका bond pair 3 और lone pair 2 आ गया. हाँ chlorine का octet expand हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है. राइट देयर इज नो प्रॉब्लम क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है कर सकते हैं. ऑलराइट चलो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कैसा रहेगा दो स्ट्रक्चर. सर ये तो स्कूल में कह रहा है. यस सर ये एनसीईआरटी के 9th में है. यस सर 9 ग्रेड से वी बीन क्लास के एग्जांपल है सर ये. हां कौन सा सेंट्रल एटम होगा इसमें सर. कार्बन कार्बन वुड बी द सेंट्रल एटम. ठीक है सो CCl4 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर. कार्बन के 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना चारों के चारों यूज हो गए. All right.
थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। N2H4 इसका बनो, ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि याद ही रखना है आपको। हाइड्रोजन बोलते हैं उसको। धीरे धीरे ये नाम जो होते हैं ना, ये जैसे जैसे देखते जाते हैं, रिविजन करते जाते हैं, याद भी होने लगते हैं, ठीक है। डोंट ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ इन रिमेम्बरिंग दीज नेम्स राइट अवे। मैं कुछ कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा आपको। सर क्वेश्चन में ऐसे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं देंगे ना? नहीं नहीं अभी तो नहीं, नॉट राइट नाउ, मे बी आफ्टर 6 months 8 months, जब आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि हाँ, मतलब अभी कुछ कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड ऐसे हैं जो हमने बहुत जगह देख लिए। राइट, सो इसमें आपके सामने एक आइडिया ही लग रहा है कि नाइट्रोजन सेंटर में होना चाहिए। यस सर, ठीक है। एंड देन दूसरा नाइट्रोजन भी इसके आजू बाजू ही बना देता है, ठीक है, अगेन। और फिर जो हाइड्रोजन है वो इनके अराउंड मैं प्लेस कर देता हूँ, ट्राइंग टू कीप सिमेट्री इन माइंड। यस राइट। अब पहले जो हाइड्रोजन है उनका मैं डबलेट कंप्लीट करा देता हूँ। यस, ठीक है। अब नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपस में एक सिंगल बॉन्ड की जरूरत है बस। हाँ सर, हो गया। यस सर, ठीक है। बाकी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो उसमें से 3 ही यूज हुए, 2 एज इट इज रह जाएंगे ऑन ईच नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे ना सर, ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड नहीं बना सकता? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने अटेम्प्ट लिया होगा डेफिनेटली। देखते हैं किसी ने, आपने ऐसा अटेम्प्ट लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसा नहीं सर, ये दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाने पर तो इसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया ना। हाँ यस सर, 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, डबल बॉन्ड नहीं बनाने की जरूरत है। यस यस, मे बी आप और अटेम्प्ट लियो। हाँ ऐसा। यस सर, एंड देन अ डेटिव बॉन्ड विद अ नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आपने क्या करा यहाँ पे, नाइट्रोजन के साथ में डेटिव बॉन्ड बना दिया। हाँ सर, बट फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हुआ सर? चौथा हाइड्रोजन भी है ना, तो एक और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का। यहाँ पर नहीं सर, जहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना है ना नाइट्रोजन के साथ वो नहीं, बट वो सिंग, अगर आप नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ सर, ठीक है, तो आपने ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इधर 3 यूज कर लिया हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करने। हाँ हाँ यस सर। फिर अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। हाँ सर, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो इसमें से? अ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड बना दिया आपने इस नाइट्रोजन के साथ में। हाँ सर, व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन सर? उसमें एक H बचा है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर अच्छा एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ है। हाँ सर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप कह रहे हो कि ये भी एक पॉसिबल लो स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ सर, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दिस लो स्ट्रक्चर? तो वो एच के साथ डेटिव बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्या, वो जो नाइट्रोजन और एच के बाद लगा हुआ? नहीं, हाइड्रोजन के साथ में डेटिव बॉन्ड क्यों बनाएगा? हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। आप नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन जो है उनके डबलेट कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, राइट, एज वेल एज ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सर सिमेट्री बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ, मतलब सिमेट्री एक रीजन हो सकता है, बट लाइक व्हाइल ड्राइंग दिस इज अ गुड स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स अ गुड अटेम्प्ट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये N2H4 का लो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्हाई कांट देयर बी अ ट्रिपल,
कहां पर ट्रिपल बॉन्ड? बिटवीन द टू नाइट्रोजन इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया फिर so, फिर yeah. साइड में दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ऑक्टेट का क्या हो गया यहाँ पर ऑक्टेट तो एक्सपैंड हो गया ना नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से भी एक नाइट्रोजन पांच बॉन्ड थोड़ा बना रहे सर इसमें साइड में हाइड्रोजन को डेटिव बॉन्ड दे दो क्यों दे दो मैंने बताया था ना सिंगल इलेक्ट्रॉन का डेटिव बॉन्ड कभी नहीं बनाते हैं हाँ यस सर ठीक है मुझे पता था कि आप लोगों को करने वाले हो फ्यूचर में इसलिए मैंने याद है स्टार्टिंग बताया था लास्ट क्लास में यस सर यस सर नोट में बताओ राइट क्या बताया था यहाँ पर जब हम लोग डेटिव बॉन्ड पढ़ना शुरू करे थे सिंगल इलेक्ट्रॉन का कोई डेटिव बॉन्ड नहीं बनाएगा ठीक है अच्छा और एनी अदर अटेम्प्ट सर आई हैव अ क्वेश्चन सर व्हेन यू से सिमेट्री इज प्रेफर्ड देन व्हाई डोंट एच एंड एच लाई लाइक परपेंडिकुलर टू नाइट्रोजन अभी शेप का स्ट्रक्चर नहीं है राजा अभी मैं शेप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ The symmetry which I described was कि like nitrogen के इधर वाले nitrogen पे भी दो hydrogen है इधर वाले nitrogen पे भी दो hydrogen है अच्छा so not the angle वाला part हाँ मतलब अभी आप इनको ऐसे बना लो yes sir मैंने ऐसे ही बनाया ठीक है चलेगा it's okay it's absolutely fine sir so the second one is more preferred नहीं नहीं ऐसा कुछ preference नहीं है ठीक है आपने attempt लिया ठीक है यस सर ड्रॉ करा आपने है कि नहीं यस सर यस सर राइट एंड इट वाज अ गुड अटेम्प्ट ठीक है इट वाज अ रियली गुड अटेम्प्ट हाउएवर अब इन दोनों में से कौन सा लोएस्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ठीक है ये नॉलेज आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको पहले से पता होगा ठीक है देर आर सम स्टूडेंट्स जिन लोगों ने यही वाला लोएस्ट स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लिया और खुश हो गए और आंसर मार्क करके आ गए देर आर सम हु ऑल्सो ड्रू दिस लोएस्ट स्ट्रक्चर एंड देन दे गॉट कंफ्यूज कि ये होगा कि ये होगा क्योंकि दोनों ही सही दिख रहे हैं राइट नाउ हाउ डू यू एक्चुअली नो ठीक है यू डोंट रियली नो दैट बट आपने करेक्ट लोएस्ट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे अच्छे लोएस्ट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे आई एम मोर देन हैप्पी ठीक है अब बेस्ड अपॉन नॉलेज बेस्ड अपॉन स्टडिंग मोर अबाउट दिस कंपाउंड हाइड्रोजन ठीक है वी गेट टू नो दैट दिस इज एक्चुअली इट्स करेक्ट लोएस्ट स्ट्रक्चर दिस इज द वन दैट एक्सप्लेन्स The properties shown by N2H4 as a molecule. Okay, this is not the correct structure. It does not explain the properties that are seen. अब आपको नहीं पता वो properties क्या हैं कैसी हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ये कैसे पता पड़ता है ये थोड़ा सा और research करने पता पड़ता है जैसे for example अभी simultaneously let me just quickly do this exercise for you ठीक है मैंने अभी यहाँ पे ऐसा एक सेकेंड कहाँ गया वो हाँ मैंने अभी जस्ट गूगल पे ऐसे डाला N2H4 isomers ठीक है तो N2H4 isomers डालने पर मुझे ये वाला लिंक मिला तो इसमें इस कंपाउंड के बारे में बात करा जा रहा है जिसका ये मानव ने स्ट्रक्चर दिया HNNH3 A new possible isomer of N2H4, ठीक है? A 1998 research paper, ठीक है? So this is, if maybe existing and found, ठीक है? Would be a possible new isomer, ठीक है? But right now we don't need that, we don't need to fit that in our knowledge, we don't need to talk about it. हमारे लिए N2H4 जो hydrazine compound है, उसका जो commonly occurring lowest structure है, like if I just
look at what is being drawn across textbooks or what is being drawn, what is being understood as a simple normal one, is this one. ठीक है, यही आपको मिलेगा जगह जगह पर. तो अब आप ध्यान में रखोगे कि N2H4 का जो करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा. Yes, sir. ठीक है, जो दूसरा आपने अटेम्प्ट लिया, इट वॉज अ गुड अटेम्प्ट, मे बी इन फ्यूचर, ठीक है, इट माइट कम आउट टू बी एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड इंपॉर्टेंट आइसोमर, तो वो भी आपके लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड हो जाएगा, समथिंग टू फोकस अपॉन, बट राइट नाउ यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट. ठीक है, ओके सर. ऑलराइट, कमिंग बैक, आपने देखो लुईस स्ट्रक्चर बनाया, बहुत अच्छी बात है. और अटेम्प्ट लेते हैं. ठीक है, अच्छा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की काउंटिंग तो आप लोग कर ही लोगे. ठीक है, यस सर. ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इसके लिए, अनदर पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर, एन एच 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 एन एच, है ना, ऐसा आपने बोला था ना. तो दिस इज अ पॉसिबल आइसोमर. ठीक है, हाउएवर दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ कॉमन वन. ओके, दो सेंट्रल एटम है ना, तो कोई सा भी एक सेंटर एटम मान के उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. तो ये नाइट्रोजन है, इसके तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है. आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में, then they will have to tell you specifically कि आप किसके ऊपर बताओ कितना बॉन्ड पेयर. अच्छा, okay. सर, सर प्रेफर्ड स्ट्रक्चर को ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में एक डीटे बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड को मतलब आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, पर डीटे बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड में आफ्टर फॉर्मिंग कोई अंतर नहीं रहता, ये मैंने आपको पहले भी हाईलाइट कराया था. हाँ सर, ठीक है. हाँ सर, समझना कि डेटिव बॉन्ड वीकर होता है या कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ में, उसको ऐसे सौतेला ट्रीटमेंट मत दो, इट इज वन ऑफ द बॉन्ड्स ओनली. ठीक है, चलो कार्बन डाइसल्फाइड का लोएस्ट स्ट्रक्चर अटेम्प्ट करो, CS2. Fairly easy to work with. जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का करते थे वैसे ही रहेगा, कार्बन सेंटर में, सल्फर आजू बाजू में, है ना, और सल्फर को क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और कार्बन को भी चार बॉन्ड बनाने हैं, तो एकदम सब खुश है. क्लियर है सर, इसमें सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया ना? नहीं नहीं, कहाँ हुआ, एकदम परफेक्ट आ रहा है, दो ही तो मिला उसको एकदम सर, सही है. सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, और दो कार्बन के मिल गए उसको, तो 8 ही तो हुए. हाँ सर, 8 ही. ओ यस, आई काउंटेड द सल्फर एटम इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस, सॉरी. सर एक्सपैंड कराते हैं तो सेंट्रल एटम को कराते हैं ना, नॉट टर्मिनल एटम्स. हां, जनरली वी डोंट प्रेफर टू एक्सपैंड टर्मिनल एटम्स. टर्मिनल एटम्स के लिए ऐसा बता रहा है, टर्मिनल एटम्स के लिए वी ट्राई टू कीप ऑक्टेट इन माइंड. सर मतलब टर्मिनल एटम्स को पहले ऑक्टेट में फिल कर देते हैं, उसके वजह से सेंट्रल एक्सपैंड करता है ना. हां, उस थॉट प्रोसेस से जाओगे तो यू विल बी एबल टू मोर फ्लूइडिकली ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, देन कार्बन डाइसल्फाइड के बाद में से कार्बोनिल सल्फाइड COS, इसका क्या लुईस स्ट्रक्चर रहेगा?
सेम जैसा CH2 का था. यस यस मतलब एक जगह ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही चाहिए था, राइट? कोई दिक्कत नहीं आई, राइट? सो कार्बन एटम पर क्या रहेगा सर? दो फोर बॉन्ड पे, जीरो लोन पे सर. दो बॉन्ड, दो नहीं चार बॉन्ड पे, चार बॉन्ड जीरो लोन पे. यस चार बॉन्ड पेयर हो गए कार्बन एटम के अराउंड एंड देयर आर नो लोन पेयर्स ऑन कार्बन एटम पर. सेंट्रल एटम चार बॉन्ड पे. चलो एक और अटेम्प्ट लेते हैं. COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर अटेम्प्ट लो क्या होगा? क्या सोचा होगा? व्हाट वुड बी द सेंट्रल एटम ओवर हियर? कार्बन. ठीक है, कार्बन आपकी प्रेफर्ड चॉइस रही होगी. व्हाई नॉट ऑक्सीजन? इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो बॉन्ड नहीं कर पाए. ठीक है, मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई यू वुड हैव नॉट वांटेड ऑक्सीजन, बिकॉज़ ऑक्सीजन के पास में मतलब दो ही बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है ना. सीरियस ऑक्सीजन जो है वो दो ही बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, और हम तो ऐसा सेंट्रल एटम लिखना चाहेंगे ना जिसके अराउंड ज्यादा बॉन्ड बन पाए. सर और अगर ऑक्सीजन से भी स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली कार्बन एट द एंड ऑफ द लूज स्ट्रक्चर बन जाएगा ना अपने आप. यस सर. ठीक है, नहीं मतलब और भी ऐसे अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल अटेम्प्ट्स नहीं है. ठीक है, मे बी आप अगर अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी और दौड़ाओगे तो शायद आपको ऐसे अटेम्प्ट्स मिलने लग जाएं. बट दिस कम्स आउट टू बी द मोर सिंपल स्ट्रक्चर. यस सर. ठीक है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेगा और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करके क्लोरिन के साथ में सिंगल बॉन्ड बन गया. Sir, if we wanted to do something, we could have taken oxygen as the central atom, and then two dative bonds. Oxygen central atom hai fir. Then chlorine ke saath mein do bond, like single. Chlorine ke saath mein single. Sir, and then carbon ke saath mein double dative bond. Double dative. But it doesn't. Sir, maine alag kiya. Doesn't exist. There pe. और मैंने मना किया था ना, दिस वाज आल्सो आई हैड. यस सर, यस आई नो इट डजंट एग्जिस्ट बट आई वाज सीइंग अगर ऐसा करना है. ठीक है, ऐसा नहीं बनाने का, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू शुड डू. और कौन बता रहा था, और क्या था दूसरा? क्या सर, चार बॉन्ड बनाना अलाउड होता है क्या ऐसे लगातार, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का? नहीं नहीं, मैक्सिमम तीन ही बना सकते हैं. हां हां, मतलब ट्रिपल बॉन्ड. आई हैवंट taught you anything like a quadruple bond. वाह सर, क्या मस्त सर, मूंछ लग रही है उसकी. ठीक है, तो ये सर, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी एक्सपेंड है. ऑक्सीजन का ऑक्टेट गया है. हां, ऑक्टेट फट गया ऑक्सीजन. ठीक है, इसे क्लोरीन के साथ डेटिव बना सकता है. हां, मतलब इसकी जगह यू कुड हैव थॉट ऑफ दिस वे कि मैं ऐसा बना दूं क्या. हां ये ठीक है. अच्छा सर, ऐसा भी कर सकते हैं. ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया ना. पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा था तो इसलिए वो नहीं प्रेफर सर, वो जो एक्सेप्शन था. चार बॉन्ड में एक तो डेटर था ना. सर तो वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में लेंगे. नहीं नहीं नहीं, वो तो आफ्टर फॉर्मिंग अ कंपाउंड ना, एक्सपेंड नहीं करना है आपको नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट ना, तो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करना आपको. सर कंप्लीटेड. ठीक है,
सर क्लोरीन दो बॉन्ड बना सकता है, एक डबल बॉन्ड बिल्कुल बना सकता है, बताओ क्या अटेम्प्ट ले रहे हो सर? तो लाइक ClCl सिंगल बॉन्ड, ClCl सिंगल बॉन्ड सर, फिर Cl के ऊपर एक डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा? हाँ अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। आपने ऐसा अटेम्प्ट लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्लोरीन सर डबल बॉन्ड, एक और क्लोरीन कर दिया आपने। हाँ सर, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो ठीक है, ये आपने अटेम्प्ट लिया। हाँ सर ठीक है, तो अब इसमें आप ये कहना चाह रहे हो कि क्लोरीन का ये वाले सेंटर क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिया है। यस सर ठीक है, इस वाले का नहीं एक्सपैंड करा है, और इस तरीके से है, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ पॉसिबल लो स्ट्रक्चर। ठीक है ओके सर, इट इज अ इसमें गड़बड़ नहीं है, इट्स अ पॉसिबल लो स्ट्रक्चर, यू हैव टेकन अ गुड अटेम्प्ट। ठीक है, बट दिस इज नॉट द वन दैट इज फाउंड। ठीक है, द वन दैट इज फाउंड इज, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेंट्रल एटम के अराउंड हम लोग ऐसे टर्मिनल एटम्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यू टुक एन अटेम्प्ट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट अभी मैं यहां पे लिख देता हूं इसके अगेंस्ट नॉट फाउंड। मे बी इफ आई डू अगेन अ रिसर्च ऑन दिस, मे बी दिस कुड बी सम ऑफ द आइसोमर। सर तो पेटेंट कर लेंगे इसके नाम पर। ठीक है, कुछ काम उसके बाद पेटेंट कर, कुछ काम करके नहीं कर सकता करना। ठीक है, अदरवाइज ठीक है भाई। ऑलराइट, ये नेक्स्ट थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसका अटेम्प्ट लो। हो गया सर, नाम क्या क्या है इसका? हो गया सर, थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड। सर इसके बहुत सारे बनेंगे, बिकॉज़ वी कैन सर दो तो ऐसे ही बन गए। हां सर दो बन गए। टेक एन अटेम्प्ट, कॉमन नाम है इसका। एनीवेज, थायोनिल क्लोराइड का जैसा हमने ऊपर ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ कर लिया। यस सर, ताकि कार्बन की जगह सल्फर सेंट्रल एटम ले लिया, और उसके अराउंड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, बॉन्ड मेरे पास तीन और एक शायद स्टेबल है, बाकी दोनों तो स्टेबल। हां सर, बिना सर स्टेबल और सल्फर बीच में है सर, स्ट्रेट नहीं बना सकते। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये वाला अटेम्प्ट लिया होगा। हाँ सर ये वाला बना सकते हैं। सर एब्सोल्युटली फाइन। सर मैं सर एक और तरीके से किया मैंने। सर मैंने डेटिव बॉन्ड बना दिया डबल बॉन्ड की जगह। हाँ सर डेटिव, हाँ सर उससे दो स्ट्रक्चर, डेटिव से हो गया, डेटिव लेके दो स्ट्रक्चर। हाँ नहीं नहीं, उसमें जैसे मैंने आपको बताया दैट अगर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं
नहीं बिना ऑक्टेट एक्सपेंड किए भी हो रहा है। यस सर, उससे ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होता, डीटी बॉन्ड नहीं होता, एकदम परफेक्ट हो रहा है। ऑक्टेट एक्सपेंड प्रेफर्ड है ना सल्फर बीच में, ये आप कह रहे हो ना दैट ऑक्सीजन की तरफ। यस सर, बट मैं कह रहा हूं कि अगर और सर उल्टा भी सल्फर ऑक्सीजन को स्वैप करोगे तो एक और हां नहीं उल्टा क्यों होगा, उल्टा अगर आप बनाओगे तो गड़बड़ हो गया ना। हां उसमें एक्सपेंड हो जाएगा ना। नहीं उसमें ऑक्सीजन के ऑक्टेट का नहीं, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर को रिप्लेस करके, सल्फर और ऑक्सीजन को रिप्लेस करके बाजू में दूसरा स्ट्रक्चर बनाना। हां अच्छा, आपने बोला कि इधर सल्फर इधर ऑक्सीजन। हां और ऐसा सर ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन से सल्फर के बचा रहा है, ऑक्सीजन सल्फर को दे रहा है। ठीक हां, ये भी एक पॉसिबल लोएस्ट स्ट्रक्चर है, बट सर इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं फुलफिल हो रहा। हां सर एक्सपैंड लगता है, हो रहा है, हो रहा है, कंप्लीटली हो रहा है, हो रहा है। ऑक्सीजन के यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये दो इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के छह इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्लोरीन क्लोरीन के साथ में शेयर कर रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन और, तो ये आठ हो जाएंगे, और सल्फर को डेटिव बॉन्ड की तरह दे रहा है। यस सर, यस सर, ठीक है। सो यस ये सर मैंने एक और तरीके से बनाया था सर। सर मैंने ये क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिया सर, मैंने सल्फर को सेंट्रल एटम लिया सर, उसके मैंने आजू बाजू दो एक क्लोरीन बना दिया, एक ऑक्सीजन बना दिया, और डबल बॉन्ड दे दिया उन दोनों को। एक क्लोरीन बना दिया, एक ऑक्सीजन बना दिया। हाँ सर, और क्लोरीन को ये को भी डबल बॉन्ड दिया सर मैंने। क्लोरीन को डबल बॉन्ड की क्या जरूरत है सर? इसे उसके बाद ये क्लोरीन के साथ एक और क्लोरीन अटैच कर दिया सर। बट फिर इस वाले को डबल बॉन्ड की क्या जरूरत थी सर? तो उसका सर दूसरा बनेगा ना, मतलब दूसरा लुईस स्ट्रक्चर हो गया इसीलिए। नहीं सर, तो डबल बॉन्ड हटा हटा है ना उसको। ऐसे हाँ हाँ सर, बट इसमें अब कैसा हो रहा है, ये जो सल्फर है यस सर, इसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया ना। हाँ हाँ सर, ऑड सल्फर के छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने तीन यूज कर लिए यहाँ पर। यस सर, एक छोड़ दिया ऑड इलेक्ट्रॉन सर, वो दूसरा क्लोरीन भी अटैच कर दो। जनरली वी डोंट प्रेफर सच ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ओके सर ठीक है, तो क्लोरीन यहां पे अटैच कर दोगे तो वो यही वाला स्ट्रक्चर बन गया। हां सर वही बन जाएगा सर। आई आल्सो वांट टू टेल अ स्ट्रक्चर सर। हां हां सर, वी कैन सर ऑक्सीजन सर इन द सेंटर। सर फिर ऑक्सीजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। हां और सर एक क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड सल्फर। एक क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड सल्फर। यस सर, ठीक है। मतलब इसमें आप ये क्लोरीन का ऑक्टेट इधर एक्सपैंड कर रहे हो, सल्फर को इधर ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, इट्स अ पॉसिबल लोएस्ट स्ट्रक्चर दैट यू हैव ड्रॉन। सर मेरा एक बना, मेरे को वो तो पता चल गया कि अनस्टेबल है, बट क्या प्रूव करना है वो समझ नहीं आ रहा। क्या करना है मतलब कैसे समझाना है वो नहीं समझ रहा। मैंने बेसिकली स्क्वायर बना दिया चारों। नहीं नहीं, थ्री फोर मेंबर रिंग्स मत बनाओ। Three, four member rings, so anyways, we are avoiding. ठीक है? Sir, dative bond वाला correct है? हाँ sir, correct है ना? नहीं, correct तो सिर्फ यही lowest structure है. As in correct तो correct in the sense that actual lowest structure तो यही वाला है. ठीक है? These are some other possibilities that you have drawn. ठीक है? Yes sir. इसमें अब मैं आपको थोड़ा-थोड़ा idea देता जाता हूँ. ठीक है, जैसे आपने ये वाला अटेम्प्ट लिया, ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड सल्फर क्लोरीन क्लोरीन, है ना, ये हम लोग रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड रिजेक्ट क्यों करेंगे? बिकॉज मुझे पता है कि दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, और सर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट प्रेफर्ड रहता है ना। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मैं Could it be some other isomer? Well, possible है, ठीक है, थोड़ा सा research करना पड़ेगा if this can be some other isomer. But I would still be inclined to say before doing that research that it is less likely कि ऐसा मिलेगा.
क्यों? जनरली इन प्रेजेंस ऑफ दीज अदर कंपाउंड्स, ठीक है, जो ये लाइक सल्फर भी है, क्लोरीन भी है, ऑक्सीजन एज अ सेंट्रल एटम एंड देन मेकिंग सच डेटिव बॉन्ड्स इज नॉट अ कॉमनली फाउंड लोएस्ट स्ट्रक्चर. इट इज नॉट समथिंग विच यू कम अक्रॉस ऑफन. ठीक है, तो मैं इसको रिजेक्ट अभी इसलिए कर रहा हूँ. ठीक है, इसका मदर रीजन तो यही होगा, इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज शोन बाय दिस कंपनी. सर, ये जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो फाउंड भी नहीं होता है या सिर्फ प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है? नहीं, फाउंड नो फाउंड के लिए तो देखो रिसर्च करना पड़ेगा. सर ऑनलाइन दिया है मतलब इसका एक्सप्लेनेशन कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता. अच्छा, पूरा डायग्राम सर, अगर सर अगर मतलब ऐसा कोई हम लोगों ने लूज स्ट्रक्चर बनाया जो प्रॉपर्टीज शो नहीं करता बट एग्जिस्ट करता है, तब तो मतलब सर वो अगर किसी क्वेश्चन में बोला कि SOCl2 का बनाओ तब उसका बना सकते हैं ना. मतलब अगर बोला थायनिल क्लोराइड का बनाओ और वो प्रॉपर्टीज शो नहीं करता तो वो गलत हो जाएगा, बट अगर सिर्फ बोला कि SOCl2 कंपाउंड का बना दो तब तो सर मतलब चलेगा ना वो, अगर प्रॉपर्टीज शो नहीं करता बट एग्जिस्ट करता है. बट आपको नहीं पता पड़ेगा ना. हां सर, वो भी तो प्रॉपर्टीज शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, सो कैन यू बात, कैन यू मिक्स टू एटम्स आर क्या कह रहे हो? So can you expand two atoms like at a time? Octet expansion of two atoms. Well, generally, मतलब कि you can, but you don't really find that happening. Okay. So, most of the compounds जिनका मैं आपके साथ discussion करने वाला हूँ, you will see central atom रहेगा, वो अपना octet expand करता है. So, because in this you can expand Cl and S and you can get one structure. ये रहा ना, ये वाला आपने देखा ना? Oh. ठीक है. No, so in that only Cl is getting expanded. You can expand S and Cl. S and Cl को आप expand करोगे? Yes. ऐसे आप यहाँ पे. So you draw. ऐसा. Yeah, yeah. Something like this. Yes. हाँ, मतलब ये भी एक possible Lewis structure हो गया. ठीक है, आपने sulfur का भी expand करा, chlorine का भी expand करा. ठीक है, good that you are thinking on those lines. Sir, हाँ. Sir, expansion of octet doesn't bring instability, right? नहीं नहीं, आप ऐसे ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. okay. अब ये सब आपने देखो, अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, आपने लाइक अटेम्प्ट लिया, जैसे मैं बता रहा हूँ ना दैट इवन फॉर सच सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है, सम सिंपल मॉलिकुलर फॉर्मूलाज, यू टेंड टू ड्रॉ सच डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल लोअर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब ये वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, वी विल नीड टू डू रिसर्च एंड फिगर इट आउट. ठीक है, अब थोड़ा सा हिंट कहाँ से मिलता है, थोड़ा सा हिंट मिलता है, ठीक है, दैट ये जो नाम है थायोनिल, ठीक है, ये थायोनिल कभी यूज होता है? एस डबल बॉन्ड. ठीक है, जब इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, S डबल बॉन्ड हो और फिर सल्फर बाकी चीजों से कनेक्टेड हो. अच्छा सर, ठीक है, इसको थायोनिल ग्रुप कहता है. अब okay. ये जो है ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बीइंग प्रेजेंट देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट आर फाउंड एसोसिएटेड विद दिस कंपाउंड. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग फिर ये वाले दूसरे लो स्ट्रक्चर्स रिजेक्ट कर रहे हैं. आपने ड्रॉ करा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, बट करेक्ट कौन सा रहेगा वो हमें प्रॉपर्टीज से ही समझ में आएगा. यस सर. ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है अभी. ठीक है, अगेन यू वर जस्ट ट्राइंग टू टेक अटेम्प्ट एट ड्रॉइंग द लो स्ट्रक्चर्स, दैट्स ओके. अब लेकिन जब मैंने आपके सामने ये ड्रॉ करा है और मैंने इतना आपको बताया है, ठीक है, तो अब आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप फ्यूचर में इसको ध्यान में रखोगे. ठीक है, अब अगर मैं आपको फ्यूचर में थायोनिल
कंपाउंड का डिस्कशन करूंगा आपके सामने, ठीक है? तो आपके सामने राइट ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हाँ थायोनिल है तो उसमें ऐसे एस डबल बॉन्ड ओ वाला स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है? So, so you're saying that with time we'll be knowing all the different properties और उसके कैसा arrangement रहता है और उससे हम लोग कर पाएंगे? In some cases yes. Okay. ठीक है, but not in all the cases. मतलब जैसे मैं आपको बताया ना कि आप आज भी मुझे कोई एक random example दे दो. अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको थोड़ा मतलब research करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा. Correct. ठीक है, so that is the nature of these questions. ऐसा नहीं है कि मुझे अभी मैंने आपसे ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ लिया है तो आई कैन लाइक फॉर श्योर से कि आप मुझे कोई भी कंपाउंड का लोएस्ट स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दो, मैं आपको उसका करेक्ट लोएस्ट स्ट्रक्चर बता दूंगा. ठीक है, आई कैन टेक एन अटेम्प्ट, मे बी ड्रॉ कपल ऑफ लोएस्ट स्ट्रक्चर्स फॉर यू एंड देन आई वुड नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू देन कम अप विद कि इसका एक्चुअल लोएस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा. मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका नाम पता है क्या, उसके नाम से उसका ग्रुप का मुझे आइडिया लगेगा कि उसमें कैसा ग्रुप प्रेजेंट होगा, फिर उससे मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा कि हाँ मतलब ये पॉसिबल लोएस्ट स्ट्रक्चर हो सकता है. ठीक है, क्योंकि नाम जो दिए जाते हैं उसमें एक्चुअली वो ग्रुप्स को एक इम्पोर्टेंस दी जाती है जो कि सर्टेन प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ओके सर, ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, ये SO2F2 इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बताओ क्या रहेगा. SO2F2. Yes. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done, sir. अगेन मल्टीपल अटेम्प्ट ले सकते हो आप, मे बी यू कैन ट्राई टू ड्रॉ सम अदर पॉसिबल लोएस्ट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम योर साइड. सर मोस्ट टेबल वाला तो आ गया, और बनाने की ट्राई करें. हाँ बिल्कुल, टेक कपल ऑफ मिनट्स. सर दो बने, बट वन मे नॉट बी पॉसिबल. सर मैंने लूज स्ट्रक्चर चैट पे भेज दिया. ठीक है, सो एक ये लो स्ट्रक्चर रहेगा जहां पे सल्फर सेंट्रल एटम है. यस यस सर, अराउंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन राइट. छह इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में दो एक ऑक्सीजन के साथ में, दो एक ऑक्सीजन के साथ में, और फिर एक एक फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ में. यस राइट, तो इस तरीके से आपका ये एक पॉसिबल लो स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, यू माइट हैव कम अप विद दिस वन आल्सो. यस सर, थैंक यू सर. यस सर, चैट पे भी उन्होंने वही भेजा. इट्स अ रियली स्ट्रांग कंटेंडर, मतलब आपको लगेगा कि अरे एकदम सिमेट्रिक. हां सर, बड़ा सीधा कि किसी का ऑक्टेट वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई फालतू डेटिव बॉन्ड्स भी नहीं बनाने पड़ रहे, मतलब काफी पॉसिबल, काफी एकदम अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है, अब आपने अटेम्प्ट लिया, इट्स एब्सोल्युटली ओके. ठीक है, बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज नॉट फाउंड. ठीक है, इस कंपाउंड का जो नाम रहता है SO2F2, इसका नाम होता है सल्फ्यूरल फ्लोराइड. सल्फ्यूरल फ्लोराइड ऐसा इसका नाम रहता है.
ठीक है, अगेन ठीक है, ये जो ऐसा लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है ना, F U R I Y L, दिस इंडिकेट्स S डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं विच सिग्निफाई दिस S डबल बॉन्ड O का ग्रुप. अगेन आपको नहीं आइडिया है, ठीक है, आपको तो इसका नाम भी नहीं पता था, ठीक है, एंड नॉट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इसका नाम पहले से पता होगा, ठीक है, बट अगेन आप लुईस स्ट्रक्चर्स अभी अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट इज द मेन थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू लर्न, एंड यू हैव टेकन एन अटेम्प्ट, इफ यू हैव ड्रॉन दिस वन वेल एंड गुड, ठीक है, इफ यू ड्रॉन दिस वन ऑल्सो ग्रेट. सर ऑलवेज बना मैंने तो कर ही तो आ रही है सर, डेटिव बॉन्ड बनावा बन जाएंगे और भी बन जाएंगे, मतलब आप लोग और भी अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है. आप देयर बी अ डेटर एस के साथ कैसे दस बॉन्ड के साथ दो डेटर, सर ऑक्सीजन को बीच में रख के कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बीच में रख के डेटिव बॉन्ड. सर मैंने ऑक्सीजन को बीच में रखा, एक ये दोनों ऑक्सीजन और दोनों को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर एक एक कर दिया सर. सर उसके बाद मैंने एक ऑक्सीजन से एक डेटिव बॉन्ड खींचा और सल्फर को एक को कनेक्ट कर दिया सर. वो सर सर उसके बाद ये जो सल्फर बचा सर, इसको मैंने ये दोनों फ्लोरीन से कनेक्ट कर दिया सर. कौन से सल्फर को? सर जो सर ये जो सल्फर है सर. अच्छा, और एक और, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे कर दिया. यस सर. ठीक, अब देखा जाए तो यस, आपने ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट करने की कोशिश करी, बट टिपिकली ऐसे ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, yes, ये नहीं मिलता है, लाइक यू डोंट फाइंड सच स्ट्रक्चर्स. सर पर ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल, लो स्ट्रक्चर है, आपने इसमें ऐसा गड़बड़ कुछ नहीं करा है कि मतलब ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता. यस सर. ठीक है, मतलब इनफैक्ट व्हाट यू हैव मे बी ट्राइड टू डू कि SF2 जो कंपाउंड है O2 मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट कर रहा होगा. यस सर. तो मे बी, ठीक है, हो सकता है SF2 मॉलिक्यूल O2 के साथ जब रिएक्ट कर रहा होगा तो इसी तरीके से कुछ कर रहा होगा, बट देन सम अदर रीअरेंजमेंट्स माइट बी हैपनिंग एंड सम अदर कंपाउंड माइट बी फॉर्मिंग. ठीक है, आई डोंट नो, मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है, लेट मी सी अगर SF2 प्लस O2 का कोई रिएक्शन है तो SF2 प्लस O2 रिएक्शन. ऐसा इतना इजीली तो नहीं मिल रहा है, इट इज नॉट समथिंग कॉमन. अच्छा नहीं मिलता नहीं. SF2 डाल रहा हूं तो शैडो फाइट 2 आ रहा है. अच्छा सर, अच्छा सर, ऑनलाइन वर्जन खेलता सर. सर वो लीनियर वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, वो मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट से सल्फर प्लस 6 में, तो मतलब वो छह प्लस सिक्स में मतलब तो सिक्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा. नहीं नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो कर सकता है सर, पर इस कंपाउंड में तो सल्फर तो प्लस सिक्स ही शो कर रहे हैं इस वाले कंपाउंड में ना. हाँ सर, इन जनरल अगर मुझे दिया है SO2 F2 तो मैं मतलब बोलूंगा कि एस जो है प्लस सिक्स शो करेगा. नहीं ऐसा, मतलब हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप नोटिस तो एस तो टू एंड फोर भी दिखा सकते हैं. हाँ सर, टू एंड फोर भी दिखा सकते हैं ना. हाँ दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है. ठीक है, बट यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि मैं कैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ, सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम के अराउंड टर्मिनल एटम्स. ठीक है, आप नोटिस करोगे कि मैं प्रेफरेबली वैसे वाले स्ट्रक्चर्स देख रहा हूं, सेंट्रल एटम उसके अराउंड टर्मिनल एटम्स. ठीक है, ऑल राइट. यस चलो नेक्स्ट बताओ ओजोन का.
ओजोन का लोएस्ट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा सर? यहाँ SO2H2 में ऐसे हो सकता है क्या कि सल्फर दो ऑक्सीजन के साथ दो डेटिव बॉन्ड्स बनाता है? यस सो कैन दैट हैपन? नहीं बट हम लोग प्रेफर डबल बॉन्ड करेंगे ना एक्सपेंड कर सल्फर का ऑक्सीजन। हां सर इसमें ट्रायंगल वाला बना सकते? यस सर नहीं अनस्टेबल है ना यार अभी तो बहुत टाइम हो गया बहुत बार बोल मतलब दैट विल बी समथिंग दैट कम्स टू योर माइंड So in this, if you keep sulfo in the central atom and then put two fluorine on either side and that makes a dative bond with oxygen, you get a symmetrical thing. हाँ, but मैंने बताया ना आपको कि अगर हमारे पास में octet expand करने की opportunity है तो हम No. The fluorine makes a dative bond with oxygen. oxygen को मतलब ऐसे dative से मतलब ठीक है आपने ड्रॉ कर दिया है बट आई वुड नॉट एडवाइज दिस इन फ्यूचर ठीक है यू वोंट फाइंड सच कंपाउंड्स ठीक है दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस दिस लो स्ट्रक्चर धीरे धीरे हम लोग एक आइडिया गेन करने की कोशिश कर रहे हैं सर थोड़ी देर पहले कोई तो एग्जांपल में आपने बोला था कि मिडिल एटम में सेंट्रल एटम में उसकी वैलेंसी हम जब मतलब रिसर्च करते हैं तो हमें 1 और 2 के बीच में उसकी बॉन्ड एनर्जी और सब प्रॉपर्टीज दिखती है सर 1 और 2 के बीच में कैसे दिख सकती है या तो कंप्लीट 1 होगा नहीं नहीं छोड़ दो अभी उसके बारे में मैंने बोला ना रेजोनेंस का कांसेप्ट है बाद में बताऊंगा ओके सर अच्छा ओजोन का आपने अटेम्प्ट लिया होगा ठीक है एक आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर अटेम्प्ट लिया होगा ऐसे ओ ओ ओ ट्रायंगल बनाने का बट ऐसा नहीं करने का एज आई सेड अगेन 3-member रिंग्स विद लोन पेयर्स राइट ये एकदम हाईली अनस्टेबल सिचुएशन हो जाती है ठीक है रादर व्हाट वी फाइंड इज अ मोर रिलैक्स्ड लोएस्ट स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है ठीक है एंड उसमें फिर एक ऑक्सीजन को ये डेटिव बॉन्ड से कनेक्ट करता है So, around 120 degree. So, is there any reason why it's in this shape, like a triangular thing? हाँ हाँ वो तो VSEPR के आगे पढ़ेंगे हाँ मैं बताऊंगा आपको ठीक है अभी अराउंड 120 डिग्री मैंने इसलिए जस्ट मेंशन कर दिया टू हाईलाइट द फैक्ट दैट दिस इज अ रिलैक्स्ड एंगल यहाँ पर दिस ट्राइंगल के अंदर इट वुड हैव बीन अ सुपर स्ट्रेन एंगल 60 डिग्री का एंगल रहता ना यस सर आपने बोला था अक्यूट एंगल स्ट्रेन होते हैं है ना सुपर स्ट्रेन रहता है यहाँ पर तो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेफर करते हैं वी प्रेफर दिस एज अ करेक्ट लो स्ट्रक्चर ठीक है इसको स्ट्रेट चेन में भी तो बना सकते हैं हाँ हाँ बना सकते हो मतलब अभी देखो शेप के ऊपर एक्चुअली डिस्कशन नहीं है आपने अगर ऐसा भी बना दिया है इट्स एब्सोल्युटली फाइन यस आई डोंट माइंड ठीक है बाद में हम लोग शेप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे अच्छा तो वैसे इसका ये एक स्ट्रक्चर नहीं ना एक और हो सकता है पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हां XeF2 का कैसा रहेगा लो स्ट्रक्चर ज़ेनॉन सर हां सही कोजोन में डाउट था सर अब जैसे हम लोग को तो नहीं पता है ना कि लाइक 120 डिग्री एंगल होना चाहिए सो इफ वी ड्रॉ इट विद द करेक्ट बॉन्ड्स एंड ऑल इट्स ओके दैट्स व्हाट आई सेड मतलब अभी राइट नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू टू कमेंट ऑन ई शेप हां हां ओके सर या दैट्स व्हाट आई वांट टू आई वांटेड टू या या सर डन ठीक है ड्रॉ कर दिया आपने यस 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 सर राइट सिंपल सा रहेगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर की काउंटिंग भी करते रहना भूलना मत हम लोग भूल गए थे बीच में
ज़ेनॉन के पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? यस सर, ठीक है। एक्सीओ एफ फोर का ड्रॉ करो। सर ओजोन वाले में बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। ओके सर, बन गया। यस यस सर, डन। ठीक है, सर ये ज़ेनॉन का ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते, ये कर सकते क्या? हाँ कर सकते, मतलब बिल्कुल ठीक। उसका ऑक्टेट फुल है तो कुछ भी बॉन्डिंग कराने के लिए एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगेन आपने और भी कुछ अटेम्प्ट ले सकते हो। यस सर, एक जैसे मैंने बताया ज़ेनॉन सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड आप टर्मिनल एटम्स प्लेस कर रहे हो, लाइक ज़ेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 8 में से बॉन्डिंग में कौन से यूज हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए, राइट right? और ये 2 लोन पेयर रह गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लोन रह गए, मतलब दे विल बी 1 लोन पेयर। ये ज़ेनॉन ऑक्सीजन के बीच एक वो डेटिव बॉन्ड भी बन सकता है। नहीं, आप ऑक्टेट एक्सपैंड करो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ आप ये वाला भी एक लोअ स्ट्रक्चर बना सकते थे जिसमें यू आर लाइक ज़ेनॉन के अराउंड हम लोगों ने ऐसा बनाया और ऑक्सीजन के साथ में फ्लोरीन अटैच कर दिया। यस सर, बिल्कुल, आपने एक अटेम्प्ट लिया। दिस इज अ पॉसिबल लोएस्ट स्ट्रक्चर। सर जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है उसमें ज़ेनॉन और फ्लोरीन में कोऑर्डिनेट है ना, मतलब ज़ेनॉन कोऑर्डिनेट बना रहा है? नहीं नहीं, सिंपल सिंगल बॉन्ड है। ओके सर, सिंपल सिंगल बॉन्ड ही बनाया है यहाँ पे सबके। सर आप एक बार मेरा चेक कर दे लोएस्ट स्ट्रक्चर क्या बनाया है। सर मैंने एक ओ बनाया, हाँ एंड हाँ उसके ऊपर एक एफ एंड नीचे एक एफ, ऊपर एक एफ नीचे एक एफ, ठीक है हाँ, एंड फिर ओ से मैंने एक डेटिव बॉन्ड ज़ेनॉन को दिया। ठीक है, ओ से जनरली डेटिव, सर बट ज़ेनॉन डजंट नीड इलेक्ट्रॉन्स राइट? हाँ अच्छा, तो फिर गलत होगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है आप लोगों को कैसे बनाना है लोएस्ट स्ट्रक्चर्स? यस सर।
Sir, there was one Lewis structure where instead of attaching two fluorines to the xenon atom, like we could have done xenon, we could have done a dative bond onto oxygen and then attached to fluorines to the oxygen only. हाँ कर सकते कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस में करा रहा हूँ आप लोगों को. लाइक टेक एन अटेम्प्ट एट ड्राइंग दिस लोए स्ट्रक्चर XeO2F2 का कैसा रहेगा और आपने पिछले वाले में तो उसे काटा है लोन पेयर बॉन्ड पे. नहीं वो XeOF4 था. अच्छा हाँ तो व्हाई हैव यू पुट अ क्रॉस देयर लिखा है आपने सर. पॉसिबल है बट नॉट फॉर दिस कंपाउंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके ठीक है दिस इज द एक्चुअल लो स्ट्रक्चर. यस दिस इज द वन दैट सैटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज शोन बाय दिस कंपाउंड. XeO2F2 का सर ये सेम हो जाएगा सो ऑलमोस्ट द सेम. हां सेम तो आई थिंक आपको एक फेयर एनफ आइडिया लग गया है. सबसे पहले आप क्या करोगे ज़ेनॉन एक्सी को बीच में लेंगे. सेंट्रल एटम रहेगा ज़ेनॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. 8 राइट ऐसे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो उसमें अब आप क्या करोगे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन राइट और फिर आप डिसाइड करोगे कि एक एक फ्लोरिन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना देते हैं. यस सर. ठीक है एंड देयर विल बी स्टिल अ लोन पेयर दैट विल बी लेफ्ट है ना सर. यस तो ऑन द ज़ेनॉन एटम यू हैव 6 बॉन्ड पेयर एंड हाउ मेनी लोन वन लोन पेयर सर. इसमें सब सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं ना XeO. हां मतलब आप हां सर एक लाइन में ये वाला करेक्ट स्ट्रक्चर है. यू वुड हैव मे बी थॉट ऑफ दिस. Yes, sir. Yes. Strong contender. Possible है. This is a possible lowest structure, but not the one that we find. Sir, और एक है. एक oxygen का double bond देकर xenon को fluorine से attach कर सकते हैं. हाँ हाँ मतलब जैसे ऊपर बनाया था ना अपन ने एक double bond बना दिया फिर और एक OF बना दिया ऐसा कह रहा हूँ ना. Yes, sir. सर ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो रहा है ना. नहीं ऑक्टेट तो एक्सपैंड हो ही रहा है ना. ज़ेनॉन का तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो ही रहा है. ज़ेनॉन को तो चाहिए नहीं था इलेक्ट्रॉन्स. अरे हां सर. हां ऑक्सीजन एंड क्लोरीन दे आर यू नो क्वाइट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव. दे मेक ज़ेनॉन फॉर्म बॉन्ड्स. यस सर. यस सर. ये लोन पेयर को साथ में रखना जरूरी है क्या? मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन वाला लेफ्ट में एक राइट में ऐसा नहीं रख सकते थे? हां मतलब पेयर करके रखो उसको. ऑड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो. अच्छा सर हम लोगों ने ये ज़ेनॉन के लिवर स्ट्रक्चर्स तो सर बना दिए पर सर ज़ेनॉन के कंपाउंड बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं. यस ज़ेनॉन सर XeO4 तो मतलब एक मतलब वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी. मतलब वो तो बहुत मतलब आसानी से मिलने वाला कंपाउंड में से है ना. मतलब ज़ेनॉन का सो जनरली नोबल गैस नहीं बनाते हैं बट दीज नोबल गैसेस व्हिच आर डाउन द ग्रुप down the group इनका fluorine oxygen के साथ में बन जाता है. ठीक है सर. तुम मतलब तो सर तुम मतलब जबरदस्ती बनता है या आप बन जाता है बस? नहीं नहीं बन जाता है. बन जाता है. तो उसका रीजन हम बाद में पढ़ेंगे. हाँ हाँ आएगा पढ़ने भी आएगा जब आप रीजन तो मतलब ऐसा ऑक्टेट रोल हमेशा फाइनल थोड़ी होता है तभी पढ़ेंगे. आएगा. ठीक है. अच्छा अभी मैं थोड़े से आपको आयंस के भी स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करा देता हूँ. ठीक है मॉलिक्यूल्स के तो हमने देखे ही सही. लेट से NH2- आयन है. इसको ऐसे इमाइड आयन बोलते हैं. सॉरी इमाइड नहीं इमाइड तो अलग हो जाएगा. ये अमाइड आयन है. अमाइड आयन का लो स्ट्रक्चर बताओ. टेक एन अटेम्प्ट क्या रहेगा? सर ये पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना?
सोचो क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, टेक एन एटम, हाइड्रोजन बीच में रहेगा, फिर हाइड्रोजन दोनों साइड पे, sir the formal charge it doesn't show any characteristic of a normal charge right it's just a like a charge assigned ha matlab yahan par to proper charge hai yes sir so like formal charge se kuch related nahi hai na to ab iska agar mujhe ab lowest structure draw ek second to main ek bar soch sakta hu say negative charge on nitrogen atom theek hai main aisa soch sakta hu राइट right. उस केस में लोएस्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा नाइट्रोजन के पास में छह इलेक्ट्रॉन ठीक है पांच तो पहले से थे सर ठीक है और एक ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस नेगेटिव चार्ज को मैं ऐसे रेड से दिखा देता हूँ तो अब इसको कितने दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये दो हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना देगा हाँ सर है ना Yes, sir. Right. और आप क्या सोच सकते हो यू कुड हैव थॉट दैट नेगेटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन के पास में सर एक हाइड्रोजन पर वी कैन शो ना सर वो कंप्लीट हो गया ना हाँ हाँ बिल्कुल तो यहाँ पर क्या होगा ये एच माइनस हो गया ठीक है एच के पास में दो इलेक्ट्रॉन्स है आप शो कर सकते हो ठीक है शो करने में कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली में कैसे बनेगा वो कंपाउंड वो तो लाइक डिपेंड करता है कि इसका फॉर्मेशन स्टडी करना पड़ता है लाइक उसमें कैसा होता है कि अमोनिया जो है उसमें मतलब ऐसा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच के बैठ जाएगा So can we just replace that negative charge with an electron and then put an overall negative on the भाई मैं आपको बताऊंगा कि अभी यहाँ पर इस तरीके से आप लिखोगे तो ये नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे एक तो इस हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना लिया खुशी खुशी फिर क्या हो गया हाइड्रोजन नेगेटिव वाला एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है ना जो ये एच माइनस है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में शेयर कर देगा ठीक है ये वाला लोएस्ट स्ट्रक्चर भी चलेगा इनफैक्ट मुझे फर्स्ट वाला नहीं समझा ठीक है उसमें मैंने क्या करा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना हाँ यस अब एक एक हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना दिया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सर व्हाट इफ वी टेक -3 चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड +1 ऑन ईच हाइड्रोजन नहीं नहीं डोंट गो इन दैट डायरेक्शन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं ठीक है यहाँ पर इस तरीके से अगर अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसा हो गया ये अब यहाँ पर नोटिस करना ये दोनों एक्सेप्टेबल है हाँ दोनों एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है इनफैक्ट जो बुक्स में आपको मिलता है ठीक है वो आप नोटिस करोगे स्टैंडर्ड बुक्स में है उनमें इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ऐसे लिख देंगे N सिंगल बॉन्ड H ठीक है इसके ऊपर ऐसे मतलब यहाँ पर तो क्या ही बनाएंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से लिख देंगे ओके सर ठीक है और जैसे अपन ने पहले देखा था ना हाइड्रोनियम आयन में अमोनियम आयन में हाँ सर हाँ ये सब चार्जेस पड़ा रहे अंदर और बाहर चार सिंगल बॉन्ड कर दिया और फिर नेगेटिव चार्ज सिस्टम सर तो वो नेगेटिव फिर नाइट्रोजन की वो हाइड्रोजन पे फिर जो नेगेटिव है वो हट जाएगा ना वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा ना सर इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपको कोई एक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके बोलना पड़ेगा एग्जैक्टली सर ठीक है
क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर की काउंटिंग वुड बी चैलेंजिंग. मतलब अपन बाद में भी जब देखेंगे, जब मैं रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा आगे, तो उसमें आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देख के लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं बता पाओगे, आप किसी एक कैनोनिकल फॉर्म को देख के बता पाओगे. दिस इज ओनली फॉर दोज हु नो व्हाट रेजोनेंस इज. ठीक है, अदरवाइज आई विल कम टू इट इन सम टाइम इन नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ. तो वो हाइड्रोजन का माइनस साइन हट जाएगा ना? हाँ, क्योंकि वो डीटी बॉन्ड बनाते तो उधर प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस वो कैंसिल हो जाता है ना. हाँ हाँ, ऑलराइट. इसका लोअर स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई आयोडाइड आयन का. I3- Yes, sir. All right. So, इसमें आपने क्या लिया होगा? Negative charge, एक central negative charge. आयोडीन, ठीक है. तो इसमें कैसा रहा होगा, आयोडीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 8, है ना? यस यस. ऐसे 7 थे और फिर एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया. हाँ सर, है ना. अब इसके अराउंड आपने ये दूसरा आयोडीन एटम बना दिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड. Yes, sir. ठीक है सर. हाँ सर, मैंने तुमने में ले लिया एक बार. ठीक है, तो ये पॉसिबल हो गया सर. ऐसा प्रेफरेबल होता है कि हम सेंटर पे ही ले हमेशा नेगेटिव चार्ज? इनफैक्ट इसमें तो उल्टा होता है. मतलब इसमें एक्चुअली ये बनता कैसा है कि I2 और I- आयन मिलकर ये बनाते हैं. सर, इसमें सेंट्रल वाले का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है ना? हाँ. ठीक है, या फिर यू कैन ड्रॉ द नेगेटिव चार्ज ऑन टर्मिनल एटम. टर्मिनल आयोडीन पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो. तो कैसा है, ये आयोडीन, आयोडीन का मॉलिक्यूल आई टू मॉलिक्यूल हो गया और फिर एक आई माइनस आयन आ रहा है. तो अब ये क्या कर रहा है, यहां पर आप नोटिस करोगे तो ये एक डबल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड बना देगा. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगा आयोडीन के साथ में. ठीक है, लेकिन आयोडीन तो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है ना, तो डेटिव क्यों करेगा? डबल हो सकता है सर. नहीं मतलब समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन. सर उधर कोई भी तरीके का बॉन्ड लग जाएगा ना? यस सर, बिकॉज़ यू सेड दैट इफ द एलिमेंट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट देन वी शुड ट्राई एक्सपेंडिंग द ऑक्टेट. सर पर ये भी ग्रह थोड़ी है सर. वहाँ पे आप सिंगल, डबल, ट्रिपल, डेटा कुछ भी लगाओगे तो सेम ही चीज हो जाएगी. यस नहीं नहीं मतलब यहाँ पर. ठीक है, अब आप एक्चुअली कहना चाह रहे हो कि सर आयोडीन है और उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? तो ये आयोडीन, आयोडीन का तो मॉलिक्यूल बन गया
और फिर एक ये आई माइनस आया, ठीक है, एंड अब इसको इस आयोडीन के साथ में बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब यहां पर इस आयोडीन को भी ऑक्सीजन के एज एन इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है? नो सर, यस, ठीक है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स। इस आयोडीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, डज नॉट रिक्वायर एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स। हाउएवर वी डू फाइंड दिस कंपाउंड टू बी फॉर्मिंग, एंड हाउ इट फॉर्म्स इज दैट ये जो आई माइनस है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इस आयोडीन के पास में, ऑल्दो मैं बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वेकेंट डी ऑर्बिटल इसका जो होगा, ठीक है, इस आयोडीन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना शेयर करेगा। तो सर इसमें तो एक्सपेंशन और डेटिव दोनों ही हो रहा है ना? हाँ सर, सो देन व्हाई नॉट जस्ट फॉर्म अ बॉन्ड, लाइक व्हाई नॉट अ बॉन्ड, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। सो वैसे तो आपका पॉइंट आर्गुमेंट सही है, मतलब आपको अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बनाना है, ठीक है, तो भी आप बना सकते हो, पर जो बनाना है बना सकते हो, सब अलाउड है। इनफैक्ट इसके अंदर रेजोनेंस भी होता है, ठीक है, बट अभी मैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। यहाँ पर इफ यू वुड वांट टू ड्रॉ डबल बॉन्ड, सो बट यहाँ पर डबल बॉन्ड एक्चुअली इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज तो पी ऑर्बिटल में और दो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? मतलब एक्चुअली इसका मुझे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ऑर्बिटल्स के थ्रू ही बताना पड़ सकता है, अब मैं एक्चुअली बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है, बट क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है बता, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, बट ये सर बाद में जब पढ़ाओगे तब ये वापस एग्जांपल ले लेंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आयोडीन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा? NH2NP5, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आयोडीन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, yes, ठीक है। अब लाइक आयोडीन सिक्स्थ पीरियड में आ जाता है ना, yes, तो 6s2 6p5, सर फिफ्थ पीरियड शायद, हां सर फिफ्थ, सर 5s2 5p5, 5s2 5p5, यस सर, 5s2 5p5, ठीक है। अब ऐसा होता है दैट ये जो सेंट्रल आयोडीन है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, जब इसको I2 बनाना था तो इसको एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरा एक आयोडीन आटम आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके साथ में शेयर कर लिया, yes, दूसरा एक आयोडीन आटम आया, उसने यहाँ पर एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होके सिंपल I2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। yes. अब यहाँ पर अगर हमें I3 माइनस के बारे में बात करनी है तो I3 माइनस के बारे में क्या हो गया, आयोडीन के अराउंड यहाँ पर मुझे दो बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, तो इसमें अब कैसा होता है, यहाँ पर आप नोटिस करना डी ऑर्बिटल्स का यूज आ जाता है, ठीक है, जो इसका 5d ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 5, अब व्हाट विल हैपन इज
ये जो I माइनस आया ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनमें से किसी भी एक d ऑर्बिटल में, ठीक है, इनफैक्ट अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो प्रेफरेबली 5dz स्क्वायर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगा, ठीक है, ये जो I माइनस आया। अरे बट फिफ्थ पीरियड में तो 6s कैसे आएगा? अभी फिफ्थ पीरियड में ना आउटर पीरियड में तो 4d भरता है ना, पर हंस रूल का क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है ये राइट हैंड साइड वाला आयोडीन है, मतलब इसको मैं से ब्लू से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसके साथ में, और ये जो है यहाँ पर रेड वाला ये आपका आई माइनस था जो कि डेटिव बॉन्ड बना रहा है बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इन दिस वेकेंट ऑर्बिटल। So, but Hans rule के हिसाब से you can't directly pair ना, मतलब you need pair नहीं, this is not एक individual atom, ठीक है, यहाँ पर एक iodine का molecule already present है और I minus उसके साथ में attach हो रहा है। Sir, the Hans rule को ऐसा मतलब अब जैसे आप लोगों को मैं ऑक्टेट एक्सपेंशन का क्राइटेरिया बता दूं कि ऑक्टेट एक्सपेंशन की यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये जो आयोडीन है आप बनाने के लिए तो एक्चुअली बना भी सकते हो इसका, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे थे पहले। सर, इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, आई थ्री माइनस का फॉर्मेशन? नहीं नहीं, वो तो मैं सी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सबके पहले लो स्ट्रक्चर बताना पड़ता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ You are saying कि सर हमें तो ऐसा बनाना है, है ना? Yes sir. हाँ सर, गलती नहीं है कुछ, ठीक है, if you are saying कि हमें इस तरीके से बनाना है, double bond मुझे बनाने का मन है between iodine and iodine, ठीक है, तो अब मैं आपके साथ में वही discuss करना चाहूँगा that इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये जो सेंट्रल वाला आयोडीन है इसके अराउंड थ्री एटम्स बनेंगे, थ्री बॉन्ड्स बनेंगे, यस सर, ठीक है, मुझे अब इसका 5s2 5p5, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और अब मुझे इसके अराउंड थ्री बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा, ठीक है, ये 5s है, 5p है, ये 5d है, ठीक है, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे ना? यस सर, चाहिए। तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको आप एक्साइट कर दो, किसी भी एक को एक्साइट करके 5d में लेके आ जाओ, ठीक है, और अब आप बोलोगे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, एंड देन इसके बाद में यू विल कम अप विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि अब जो इसके अराउंड दूसरे आयोडीन आइटम है, ये वाला आयोडीन आइटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, से यहाँ पे शेयर कर दिया, और ये जो आई माइनस है
इसके दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, ठीक है, एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर, ठीक है। नहीं नहीं वो क्योंकि आपने बोला ना कि मुझे डबल बॉन्ड बनाना है। We were asking so कि डबल बॉन्ड क्यों ऐसा पॉसिबिलिटी। सर बट ऐसे तो हमने जितने भी लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाया उनको हम सिंथेटिकली क्रिएट कर ही सकते हैं ना, नहीं तो फिर। हाँ तो यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ दैट इस केस में आप लाइक ऑक्टेट एक्सपेंशन शो करना चाहो तो कर सकते हो। हाउएवर लेट मी सर ये मुश्किल काम है गेट सम डेटा पॉइंट। सर वी कैन से इट माइट बी अ पॉसिबल स्ट्रक्चर बट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है तो फिर क्या ही करें। ठीक है, आई टू का बॉन्ड लेंथ होता है इफ आई एम जस्ट क्विकली डूइंग सम रिसर्च 266 पिकोमीटर और आई थ्री माइनस में जो बॉन्ड लेंथ रहता है ट्राई आयोडाइड आयन में अगर हम उसका 945 हो गया उसमें एक्चुअली जो लोएस्ट स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर दो लोन पेयर ये इसका शेप नहीं सैटिस्फाई कर पा रहा है जो इसका शेप है मतलब इसका जो शेप होता है ना आई थ्री माइनस आयन का ठीक है जो शेप हम लोग बाद में ऑब्जर्व करते हैं वो कुछ इस तरीके से रहता है दैट आयोडीन का लीनियर शेप रहता है इसका इसमें जो लोन पेयर रहते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं ठीक है बट सर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब आई थ्री कोई कंपाउंड बनाया कोई एलिमेंट के साथ और फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आई थ्री का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर यहाँ से अगर मैं इस लो स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूंगा आई थ्री माइनस का तो जो मेरा लो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा इसके अराउंड दो सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है बेंट शेप दिख रहा है इसके अराउंड इसकी वजह से बट अगेन यू वुड देन कॉल दिस टू बी रेजोनेटिंग लेट मी एक्चुअली लुक एट द डेटा सो आई एम थिंकिंग इट्स नॉट पॉसिबल ओनली नहीं नहीं इट इज आई एम ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड वेदर What should be the preferred? Right, the preference, yeah. So यहाँ पे तो single bond भी हो सकता है ना, double bond की जगह पे. Because अभी तक जैसा मैंने मतलब मैंने अभी तक यहाँ पर कैसा है? While drawing the Lewis structures, I have preferred or drawn the Lewis structure of this triiodide ion in the same way. ठीक है यहाँ पर ऐसे I के ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दो या फिर टर्मिनल एटम के ऊपर डाल दो ठीक है और वो फॉर्म कैसे हो रहा है लाइक आई टू से आई माइनस आयन मिल रहा है ठीक है आयोडीन मॉलिक्यूल और आयोडाइड आयन मिलकर ये आई थ्री माइनस आयन बना रहे हैं तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर ये जो आई माइनस आयन है ठीक है ये अपना लोन पेयर I minus ion shares its lone pair in vacant orbital, vacant d orbital of iodine atom, the other iodine atom. ठीक है इस तरीके से इसका structure form हो रहा है ठीक है this is the formation process. But yes. Let me actually think about it. If I was to draw it in this way, ठीक है तो
ये एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि शेप के बारे में मुझे करेक्ट आइडिया नहीं दे रहा है. इट इज नॉट गिविंग मी अ करेक्ट आइडिया अबाउट द शेप एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल. व्हाट इज इट? अब क्योंकि मैंने शेप आपको ड्रॉ करना नहीं सिखाया तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे इससे. हां यस सर. यस सर. शेप कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा? एंड दूसरा मतलब आई विल ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट द बॉन्ड लेंथ. ठीक है, जैसे यहाँ पर इफ आई लुक एट दिस, इसमें जो इसका एक्चुअल लोएस्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इसमें दोनों के दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है. ठीक है, दोनों आई आई बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं. बट इस वाले में हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, दैट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है. यस सर. सो इज दैट रियली द केस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है? तो वो एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा जो आयोडीन आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो कितना है. Experimental data. So, data. Okay. So instead of drawing a dative bond, can't we draw a single bond between I minus? नहीं आप अब नया चेंज. अगर आप सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दोगे तो फिर इस आयोडीन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. Okay sir. सिंगल आयोडीन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. सर मुझे डाउट है कि सर ऐसे तो I minus I2 को कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं ना. बनेगा क्या या आई फाइव थ्री माइनस भी बनेगा क्या, वो नहीं करवा रहा हूँ मैं आपसे. ठीक है, मॉलिक्यूल अभी आई थ्री माइनस ही है और उसमें आई एम telling you that this is the lowest structure that we find. Sir, her iodine ka average kya bolte hain, oxidation state minus 1 by 3 range. Wo to average hai, wo oxidation state wagera to theek hai. This is how the lowest structure is mentioned in the standard books. Theek hai, but ye wala jo hai, this is something which yes, we would try to think of it as an expanded octet. But isme I'll have to double check whether I have to draw the double bond or not. तो मतलब ये वाला structure disputed है क्या? नहीं, ये वाला structure reject करने के लिए मुझे दो arguments की जरूरत पड़ेगी. Yes sir. एक तो मुझे बॉन्ड लेंथ समझने पड़ेंगे कि बॉन्ड लेंथ कैसे हैं आयोडीन आयोडीन के बीच में, और दूसरा मुझे समझना पड़ेगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है सर. दो चीजों को हम लोग वैलिडेट करेंगे. तो मैं डेटा इकट्ठा करके आप लोगों के साथ में फिर इसको आर्ग्यू करता हूँ. सर तो हम लोग जा सकते हैं, मतलब सर अभी तो सब खत्म हो गया, अभी क्लास खत्म सर. सर तो सर एक पूरा सर आधा घंटा सर आधा घंटा ब्रेक ही चला गया सर. सर तो नेक्स्ट लेक्चर मतलब कैंसिल करा सर. आप एसीबी सर को प्लीज फोन करके बोल दीजिए सर, मुझे डाउट है कैंसिल करना है. हां सर मुझे डाउट है. 20 मिनट लेट सर. अरे अभी क्यों डाउट पूछ रहा है यार सर? जैसे इंटरेस्ट मिलेंगे हम लोग सर टाइम. सर जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कोई भी कंपाउंड का, जैसे कार्बोनेट क्लोराइड, और सर आप बोलते हो कि मतलब जैसे और भी मतलब स्ट्रक्चर पॉसिबल है. सर हम लोग ये बोल सकते हैं ना, जैसे CO Cl2 है, तब उसमें हम लोग पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बनाएंगे, और तो मतलब उतने बॉन्ड बनाने चाहिए उसको, तो वही सबसे अच्छा स्ट्रक्चर. आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकालते हो. आपको मैं सिखाऊंगा अभी केवीपीवाई के लिए अपन पढ़ेंगे ना, तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कैसे होता है वो स्ट्रक्चर से पता. सर फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? बॉन्ड. सर आप ऑर्गेनिक भी सिखाओगे क्या केवीपीवाई में? सर ऑर्गेनिक होगा ना फर्स्ट चैप्टर. सर ऑर्गेनिक का 12th का एकदम थोड़ा सा आता है. ऑर्गेनिक अभी थोड़ा सा आप बॉन्डिंग पूरा कर लो उसके बाद में. सो व्हाट विल वी डू टू इन दिस वीक का क्लास? देखते हैं, या तो गैस लॉज देख लेंगे या फिर ये जो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना. हाँ तो सर जैसे कोई कंपाउंड है उसमें मैंने सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो सर उसको उतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना कि वो बॉन्ड्स बने. नहीं नहीं तो मतलब एक ही उल्टा होता है. ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो स्ट्रक्चर से आता है, नॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन नंबर से आता है.
सर कैन वी लीव ठीक है ये सही है हाँ हाँ आज के लिए इतना डिस्कशन काफी अच्छा सर अभी हो गया सर केवीपीवाई के लिए आप अलग से मीटिंग लिंक मनाना वरना स्पैमर्स आ जाएंगे हाँ सर सबको पूरा एकदम याद है सर आपका बर्थडे सर पूरा सेव्ड है वो तो मतलब ऐसा रहेगा कि क्या बर्थडे आपके दो दिन बाद ही है सर तो मतलब गौरव गौरव से दो ही दिन छोटे काफी अंतर है बीच में बट यस मतलब आप 30 साल के हो सर 31 साल के हो सर ये लोग रियली यंग हाँ सर मतलब डिसीव करने के लिए आप मतलब सर आपकी आपकी शक्ल ना रेंट पे ले सकते हैं हम लोग डिसीव करने के लिए किसी को भी सर मुझे लगा आप अभी आईआईटी से पास आउट हो हां सर दैट इन द ओरिएंटेशन माय मॉम वाज सेइंग दैट ही इज लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट हां हां मतलब इनफैक्ट मैं फिर भी ऐसा वाला चश्मा पहनता हूं फ्रेमलेस वाला जिससे फिर भी थोड़ा ऐसा एंटी एजिंग क्रीम सिंसियर लुक आए बट अदरवाइज मैं अगर वो वाले पहन लेता हूँ जो थोड़े से ब्रॉड फ्रेम वाले होते हैं तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉलेज में ही हूँ अभी भी सर मैं आपसे अभी 15 साल बड़ा दिखता हूँ पता है आपको दाढ़ी नहीं आती सर सच बोल रहा है वो सर उसका मुंह पूरा जंगल उसका मुंह देख लो आप डीपी देख लो उसका हाँ देखा है मैंने उसका करते हैं हम लोग एक्चुअली एक सेशन रखते हैं जहाँ पे हम लोग जनरल चिट चैट करेंगे हाँ हाँ मतलब उसमें ऐसे प्रॉपर वीडियो कॉल की तरह चलेगा उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होगी बस बातें होगी क्या होगा सर वो चलेगा लेकिन अभी सर वो i3 माइनस का मैच वाला चलेगा सर फिजिक्स में अभी हां मतलब वही आने का है सर ब्रेक नहीं मिला ओके सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू बाय सर थैंक यू सर हां चलो ठीक है बाय बाय गाइस